ओए होए आ गए एक बार फिर से वीडियो देखने। तो कोई ना, यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर आपका तो स्वागत करना ही पड़ेगा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। बट आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो यहाँ पर कुछ अलग ही है। मतलब कि यहाँ पर आपको अपना फायर पावर इंक्रीज करना है। अब यहाँ पर इंक्रीज करना आपको आता नहीं है, आपको आता नहीं है तो यहाँ पर आप फाइंड कर रहे हो टिप्स एंड ट्रिक। टिप्स एंड ट्रिक फाइंड कर रहे हो तो यूट्यूब में सर्च कर रहे हो। यूट्यूब में सर्च कर रहे हो तो यहाँ पर किसी की वीडियो इतनी अच्छी नहीं मिल रही है। इतनी अच्छी नहीं मिल रही है तो यहाँ पर आ गए मेरी वीडियो। मेरी वीडियो में आ गए तो यहाँ पर आपको सभी टिप्स एंड ट्रिक दूंगा। बट गाइज, मैं आपसे नाराज हूँ यार। आप मेरी वीडियो या तो यहाँ पर शेयर करते हो ना, यहाँ पर पूरी वीडियो देखते हो। स्टार्टिंग में आते हो, एंटर होते हो और चले जाते हो, या फिर लाइक भी नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो। आपको बोल बोल के मैं थक गया कि भाई कमेंट कर लिया करो जिससे मुझे भी अच्छा लगे, लाइक कर लिया करो जिससे मुझे भी अच्छा लगे, सब्सक्राइब कर लिया करो तो मुझे भी अच्छा लगे, और शेयर भी कर दिया करो। तो अब मुझे पता चल गया कि यहाँ पर आप ये बात को भूलोगे नहीं। तो गाइज, आज के हमारी ये जो वीडियो है उसमें यहाँ पर आपको अपने फायर पावर को इंक्रीज कैसे करना है, उसमें यहाँ पर कौन सी टिप्स एंड ट्रिक लगेगी, सब कुछ यहाँ पर आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आई होप कि आपकी वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए अब हमारी इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। गैस 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 सुनिए सुनिए, यहाँ पर जो फर्स्ट हमारी ट्रिक है ना, वो यहाँ पर सेंसिविटी और फायर बटन की साइज। अब यहाँ पर आप बोर होगे कि यहाँ पर हर बार सेंसिविटी और फायर बटन की साइज ही आती है। बट गैस, यहाँ पर जो चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पर आपको बतानी पड़ती है, क्योंकि आगे की जो टिप्स एंड ट्रिक यहाँ पर बताऊंगा ना, उसमें यहाँ पर सेंसिविटी और फायर बटन की साइज मोस्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए गैस, यहाँ पर आपको सेंसिविटी और फायर बटन की साइज क्या सेट करनी है, तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने यहाँ पर उसके ऊपर डेडिकेटेड यहाँ पर वीडियो बना दी है। लिंक यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में रख रहा हूँ, वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। फायर बटन की साइज भी है और यहाँ पर सेंसिविटी की भी है, तो दोनों यहाँ पर वीडियो चेकआउट कर लेना और अपनी फायर बटन की साइज और यहाँ पर अपनी सेंसिविटी है वो अच्छी तरह से सेट कर लेना। बाद में यहाँ पर जो अब यहाँ पर हम टिप्स एंड ट्रिक यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, उसके यहाँ पर आपको फॉलो करना है। अब गाइस, इस वीडियो के यहाँ पर जो सेकंड ट्रिक है ना, वो कुछ यहाँ पर ऐसी है। यहाँ पर आपको क्या करना है, कभी भी यहाँ पर डर के यहाँ पर गेम प्ले नहीं करना है, यहाँ पर आपको बिंदास गेम प्ले करना है। बिंदास गेम प्ले करोगे तो यहाँ पर किसी भी एनिमी को इजीली यहाँ पर डच कर लोगे। अब यहाँ पर आपको अपनी यहाँ पर जो फायर पावर इंक्रीज करनी है, तो यहाँ पर आपको ऑलवेज यहाँ पर एग्रेसिव गेम प्ले करना होगा। अपनी जो एम एक्यूरेंसी है उसको यहाँ पर आपको इंक्रीज करनी होगी, साथ में यहाँ पर आपको मूवमेंट स्पीड इंक्रीज करनी होगी। अब ये चीज़ यहाँ पर इंक्रीज कहाँ से होगी, तो यहाँ पर आपको खेलना होगा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्लैश कोड, या फिर यहाँ पर आपको खेलना होगा कस्टम, या फिर यहाँ पर आपको 2v4 या फिर 1v4 या फिर 1v2 ऐसी यहाँ पर गेम प्ले करनी होगी बिना डरे। यहाँ पर डर गए तो यहाँ पर समझ लो कि खत्म हो गए। बिना डरे गेम प्ले करोगे तो किसी भी एनिमी को और किसी भी यहाँ पर क्लच को यहाँ पर इजीली यहाँ पर हैंडल कर लोगे। इसलिए गाइस, यहाँ पर आपकी मूवमेंट स्पीड भी इस यहाँ पर ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। प्लस यहाँ पर आपका बेनिफिट क्या होगा, आपकी जो एम एक्यूरेंसी है ना वो भी यहाँ पर तगड़ी हो जाएगी, जिससे यहाँ पर आप किसी भी एनिमी को इजीली यहाँ पर किसी भी पोजिशन में या फिर रनिंग पोजिशन में कोई भी पोजिशन में होगा ना, तो इजीली यहाँ पर उसको आप वन टेप हेडशॉट, ड्रैग हेडशॉट कोई भी मार लोगे। इसलिए गाइस, आपको क्या करना है, बिना डरे यहाँ पर गेम प्ले करना है और एग्रेसिव गेम प्ले करो तो यहाँ पर खुद का कवर लेके यहाँ पर गेम प्ले करना। बिना कवर के गए ना एग्रेसिव गेम प्ले करने, तो यहाँ खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और गाइस गाइस गाइस, इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट यहाँ पर ट्रिक है ना, वो यहाँ पर इसके साथ ही यहाँ पर जुड़ी हुई है। मतलब कि उसके साथ ही यहाँ पर आपको इस ट्रिक के साथ ही फॉलो करनी है। मतलब कि यहाँ पर आपको क्या करना है, बिना डरे फायर करना है, बट ऑलवेज ट्राई टू हेडशॉट। यहाँ पर बॉडी डैमेज तो यहाँ पर सब लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं, बट यहाँ पर आपको ट्राई करना है हेडशॉट का। अब यहाँ पर हेडशॉट का ट्राई करना है तो यहाँ पर बिना डरे यहाँ पर ट्राई करना होगा। यहाँ पर डर गए तो यहाँ पर हेडशॉट या बॉडी डैमेज भी नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ पर आपको बहुत ही सारी यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, मतलब कि लोट ऑफ यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पर आपका एम एक्यूरेंसी प्लस यहाँ पर मूवमेंट स्पीड प्लस यहाँ पर आपकी फायर पावर है वो यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर तगड़ी हो जाएगी। तो गाइज, यहाँ पर जैसे बताए वैसे यहाँ पर सेकंड ट्रिक और थर्ड ट्रिक को फॉलो कर लीजिए। अब गाइज, यहाँ पर इस वीडियो के हमारी जो लास्ट ट्रिक है ना, वो कुछ यहाँ पर ऐसी है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जब यहाँ पर फायर करने जा रहे हो तो यहाँ पर ओवर ड्रैग मत करो। मतलब कि यहाँ पर आप क्या करते हो, अपना एम यहाँ पर होता है यहाँ पर बहुत दूर रखते हो, एनिमी यहाँ पर पास में होता है और यहाँ पर बाद में यहाँ पर ड्रैग करते हो तो आपका ओवर ड्रैग हो जाता है, जिसकी वजह से आपका एम यहाँ पर फायर कहाँ पर होता है, डायरेक्टली यहाँ पर स्काई में। इसलिए गाइज, आपको क्या करना है, अगर आपका एनिमी यहाँ पर मिड रेंज में है तो यहाँ पर आपको नॉर्मली ड्रैग करना है, मतलब कि मीडियम रेंज का यहाँ पर ड्रैग करना है। अगर आपका एनिमी यहाँ पर आपके मुंह पे यहाँ पर चिपक गया, मतलब कि यहाँ पर ज्यादा ही क्लोज रेंज में आ गया, तो तब यहाँ पर फास्ट ड्रैग कर सकते हो। बट आपका एम यहाँ पर एनिमी के आसपास होना चाहिए। अब यहाँ पर आपका एम यहाँ पर दूर है और यहाँ पर आप फास्ट ड्रैग करोगे तो भी यहाँ पर ऐसा चांस होगा कि यहाँ पर आपका एम है ना वो डायरेक्टली चला जाएगा स्काई। इसलिए गाइस, यहाँ पर मिड रेंज हो या फिर शॉर्ट रेंज हो, अपना एम सेट होता है यहाँ पर एनिमी के आसपास रखो, जिससे यहाँ पर कभी भी यहाँ पर आपको ड्रैग करना हो यहाँ पर मीडियम रेंज का या फिर यहाँ पर बहुत ही फास्ट, तो यहाँ पर वो हेड शॉट या फिर बॉडी शॉट यहाँ पर कनेक्ट हो ही जाए। सो आई होप यू गाइस, आपको ये जो सभी यहाँ पर मैंने ट्रिक बताया यहाँ पर सब समझ में आ गई होगी कि कैसे यहाँ पर आपको क्या करना है, कैसे यहाँ पर ट्रिक को फॉलो करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। अगर आपकी वीडियो पसंद है, वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब मार दीजिए। पास में लिखने वाला बेल आइकन है उसको जल्दी से ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर हमारे जो भी न्यू वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल पाए। और अपने फ्रेंड को शेयर करना मत भूलना, जिससे वो भी यहाँ पर अपनी फायर पावर इंक्रीज कर पाए। और यहाँ पर एक कमेंट मार दीजिए, जिससे यहाँ पर हमें लगे कि यहाँ पर सब
सभी हमारी जो स्काई फैमिली हो यहाँ पर हमारे सपोर्ट में है। तो चलिए गाइस अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।